दोस्तों स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए वैकेंसी निकली है। बैंकों के अंदर सीधी वैकेंसी 2021 निकली हुई है। 5830 पदों के लिए वैकेंसी निकली। 18 से लेकर 28 तक अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वेतन आपको 24,000 से लेकर 62,000 के बीच मिलेगा और 6 माह के अंदर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जम के तैयारी करनी है तो यहाँ पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। सबसे पहले हम बता दें, एक एक चीज क्लियर करके बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं IBPS के द्वारा बैंकों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आदि निकला है। दोस्तों 2022-23 वैकेंसी पदों के लिए निकला है। दोस्तों यहाँ मैं आपको सभी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए डेट और अंतिम डेट और ज्वाइनिंग तक तारीख यहाँ पर निश्चित कर रखी है कि आपका ऑनलाइन आवेदन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख से लेकर 27 अक्टूबर तक चलने वाला है और आपका एग्जाम है नवंबर में होने वाला है और उसके बाद में आपका मेन एग्जाम है दिसंबर में होने वाला है और जनवरी और फरवरी के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये वैकेंसी है, पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ आप सभी के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक जो गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन निकला 2022-23 का वैकेंसी निकला, उसके लिए लेके आ चुका हूँ। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बैंकों की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ सिंधी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सभी का वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। ज्वाइनिंग आपको अप्रैल 2022 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी बात करें, अगर आप अच्छी तरीके से करें तो आपको अप्रैल 2022 के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन पास होना है। क्या होना है? ग्रेजुएशन पास होना है। और यहाँ एज लिमिट की बात करें, 20 से लेकर 28 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर आप ट्राइबल एरिया के अंदर आते हैं तो 5 साल छूट है, OBC के 3 साल छूट है, SC ST विकलांग कैटेगरी को 10 साल की छूट दे रखी है दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री, आपका डिग्री पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। आप पूरे भारत में कहीं से भी हैं तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अगर की बात करें, सीधे हम चलते हैं पोस्ट ऑफ वैकेंसी के ऊपर, कितनी वैकेंसी है, वहाँ पर आपका क्या क्या अपडेट रोज रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम की बात करें, आपका एग्जाम इसके अंदर दो होंगे। पहले आपका प्री एग्जाम होगा जिसके अंदर 30 क्वेश्चन इंग्लिश का आएंगे, 35 मैथ के आएंगे और 35 रीजनिंग का आएंगे। कुल 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20-20 मिनट का दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो इस